चलिए फ्रेंड्स, फिर एक बार आर्यम शुरू हुए आरआर मूवीज लाइव नांदेड़ इस चैनल के ऊपर। सभी को राम राम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम। फ्रेंड्स, नया सब्जेक्ट लेकर आ रहा हूं और हर बार चाहता हूं कि काफी वीडियोग्राफर जो लोग हैं, जो फिल्म के ऊपर वेडिंग का काम करते हैं, वेडिंग के साथ साथ साइड बिजनेस करते हैं, उनके लिए नया सब्जेक्ट। और एक मराठी में एक वर्ड है जिसका नाम है जुगाड़। जुगाड़ है लेकिन आप मेरा मोबाइल देख रहे हो, लेकिन इसके पीछे साइड को लाइट है, एलईडी लाइट, छोटे साइज का, कॉम्पैक्ट साइज का लाइट, यानी कि बैक साइड मोबाइल और फ्रंट साइड लाइट, वीडियो शूट के लिए, लाइव के लिए। फ्रेंड्स, एसेसरीज बताना चाहता हूं मैं, HDMI टू USB डोंगल, ऑन द गो OTG, ऑन द गो OTG कॉम्पैक्ट साइज आता है, और ये कॉम्पैक्ट साइज भी आता है और इसका केबल भी मिल सकता है आपको, केबल भी आप लगा सकते हो। तीसरा इंपोर्टेंट प्रोडक्ट है आपके पास, तीसरा इंपोर्टेंट है मिनी HDMI टू HDMI, नॉर्मल HDMI, मिनी HDMI। हाल ही में हर कैमरा को, आप अगर कैमरा का आउटपुट सेक्शन आप अगर देखते हो तो यहां आपका मिनी HDMI आउटपुट निकलता है वीडियो। उसके साथ ऑडियो क्वालिटी आने के लिए आपको चाहिए एक केबल, जो ऑडियो इनपुट ले सकते हो आप, थोड़ा सा लंबा रखिए, यानी कि 50 फीट का केबल रखिए। अब करना क्या है, हाल ही में व्हाट्सएप के ऊपर या फेसबुक के ऊपर मैं काफी लोगों को देख चुका हूं जो लोग अपग्रेड हो पा रहे और अपने पुराने कैमरे बेच रहे। फ्रेंड्स, जिस कैमरे ने आपको अच्छा सा, अच्छा खासा कमा के दिया है, काफी पैसा आपने कमाया है और वो आप चीज बेचते हो, थोड़ा सा डर लगता है, तो सोचिए वो चीज मत बेचिए। यानी कि मेरे पास आ जाए कैनन का 1200, नॉर्मल कैमरा है, नॉर्मल प्राइस है, इससे, इस कैमरा से मुझे फेसबुक, यूट्यूब, जितने भी आप फॉर्मेट लाइव के पोर्टल है उसके ऊपर आप लाइव कर सकते हो मोबाइल से। आज का ये सब्जेक्ट है और मैं चाहता हूं कि ये सेकंड हैंड कैमरे 7200, 7000, निकॉन, कैनन के जो नॉर्मल रेंज के आपके पास जो कैमरे थे, आप अपडेट हो जाइए, मिररलेस लीजिए और कुछ कैमरे लीजिए, लेकिन आपकी जो पुरानी प्रॉपर्टी है वो मत बेचिए। वो उस कैमरे से आप वो नया बिजनेस, नया सपोर्टेड बिजनेस, वीडियोग्राफी में एक सपोर्टेड बिजनेस, वीडियो लाइव स्ट्रीमिंग इन DSLR, इस कैमरा से। मानो कि आप एक फंक्शन में जा चुके हो, फंक्शन स्टार्ट हुआ है और वहां पे आपको 5 ही फोटो निकालना है, बस 5 फोटो निकालने के बाद आपका काम खत्म होने वाला है, लेकिन आप काफी देर वहां रुकने वाले हो, तो उस दौरान अगर कस्टमर को आपने अगर डिस्कस किया कि सर आपका इतना अच्छा प्रोग्राम है, आपके ही मोबाइल के फेसबुक के ऊपर अगर लाइव अगर प्रोग्राम हुआ तो दोस्तों आपको 3000, 4000, 5000 रुपीज आराम से मिल सकते हैं। या मानो आप कुछ स्कूल के गैदरिंग के ऊपर चले गए, आपके पास अच्छा खासा सेटअप है, आप वीडियो कैमरे लगा चुके हो, एलईडी स्क्रीन लगा चुके हो, सभी आपका लाइव चल रहा है, लेकिन वही प्रोग्राम, वही स्कूल का प्रोग्राम, वही MLA का एक इवेंट आपको फेसबुक के ऊपर लाइव करना है या आपको यूट्यूब के ऊपर लाइव करना है, तो चलिए दोस्तों मोबाइल से लाइव कैसा किया जाता है, इसमें हर बात आखिर तक सुनिएगा। कुछ फंडे आपको मैं आज देने वाला हूं, नया सब्जेक्ट है और काफी फोटोग्राफर को ये साइड बिजनेस हो सकता है। लॉकडाउन का दौर है, 50 लोग लिमिटेड आ रहे हैं हर फंक्शन में, या हर फंक्शन में आपकी एक्सपोजिंग कम हो रही है, वीडियो कम हो रहा है, लेकिन उसके साथ ही साथ वही प्रोग्राम एक 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट आप अगर आपके मोबाइल से अगर आपने अगर लाइव किया, फेसबुक लाइव किया, यूट्यूब लाइव किया, तो आपको एक एक्स्ट्रा बोनस, आप पार्टी को या सामने वाले कस्टमर को आप डिस्कस कर सकते हो कि सर इतना अच्छा खासा प्रोग्राम है। और आजकल हर इवेंट और इवेंट जहां होता है, जो इवेंट कंडक्ट करता है, जो इवेंट का हेड है, वो चाहता है कि ये 50 लोगों की बजाय यहाँ अगर 2500 लोगों को अगर ये प्रोग्राम दिखा जाए, बताया जाए, तो काफी मजा आ सकता है। इसके लिए फाइनेंशियल आप प्लस में आ सकते हो, जो जो पैसा आपके पास
नहीं था आपके बजट में तो आप उसको प्लस कर सकते हो। इसके लिए आपको करना क्या है, आपके मोबाइल के ऊपर कैमरा फाइव क्या मेरा CAMERAFI एक ऐप डाउनलोड करना है और उस ऐप के द्वारा आपका मिनी HDMI जो है, आपका मिनी HDMI, ये मिनी HDMI कैमरा के लग जाएगा और कैमरा का HDMI इस डोंगल में बढ़ जाएगा और OTG मोबाइल को अटैच हो जाएगा, यानी कि सामने लाइट और पीछे से लाइट। तो अच्छा चलो मानो कि आपने अगर लाइट नहीं बिठाया, आप फोटो एक्सपोज कर रहे हो, तो ये फ्लैश के बैक साइड को, ये फ्लैश के पीछे के साइड को यहां आप मोबाइल अटैच कर सकते हो। वो अटैच कैसा करना है ये भी मैं आपको बताने वाला हूं और इजी है, यानी कि आजकल मोबाइल के ऊपर काफी कुछ मोबाइल इंटरनेट की कंपनी जो जियो है, आइडिया है, बाकी सभी कंपनी अच्छा खासा डाटा दे रहे हैं। तो कुछ इंटरनेट का कनेक्शन नहीं होते हुए भी मोबाइल का इंटरनेट कनेक्शन ऑन करने के बाद आप उससे लाइव कर सकते हो और ये इजी है। तो आपके DSLR कैमरे, पुराने कैमरे मत बेचिए, उसको लाइव के लिए यूज कीजिए, क्योंकि इसका वीडियो फॉर्मेट यानी कि फोकल लेंथ अच्छा होने से ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, शार्पनेस, इमेज की क्वालिटी, वीडियो की क्वालिटी अच्छी आ सकती है। एक बेनिफिट ये होगा लाइव का। सेकंड बेनिफिट बताना चाहता हूं मैं कि आपको लाइव नहीं करना है लेकिन आपके पास माइक्रो SD कार्ड अगर अच्छे क्वालिटी का है तो आपका इस कैमरे का वीडियो इसमें मोबाइल के कार्ड में रिकॉर्ड कर सकते हो 1080। सेकंड बेनिफिट ध्यान दीजिए दोस्तों, आपके 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 कैमरा के कार्ड में स्पेस नहीं है, आपको कुछ कुछ शॉट्स हाईलाइट के लिए रिकॉर्ड करना है, वीडियो रिकॉर्ड करना है, तो 1080 फॉर्मेट में आप इस मोबाइल में वीडियो कैमरा का वीडियो का डाटा रिकॉर्ड कर सकते हो अच्छी तरह से। और एक फैसिलिटीज कि ब्रॉडबैंड का कनेक्शन लो, लैपटॉप लगाओ, बाकी एसेसरीज लगाओ, केबल मूवमेंट हो जाती है, उसके बजाय सीधा सिंपल ट्राइपॉड पे लगाओ, सामने से लाइट, पीछे से आपका जो भी है। इस ऐप के द्वारा जूम इट प्लीज, ये जो ऐप है, इस ऐप के द्वारा आप अच्छा लाइव कर सकते हो, यानी कि पीछे साइड मोबाइल मैंने इसको स्टेबल कर दिया मोमेंट, अगर लोअर एंगल आना है तो आप इसको थोड़ा सा फोल्ड कर सकते हो लोअर एंगल पे, थोड़ा सा फोल्ड कर सकते हो, लोअर एंगल से शूट कर सकते हो, टॉप एंगल लेना है तो इसको नीचे कर सकते हो, आप टॉप व्यू से कर सकते हो, देख सकते हो वीडियो, फ्लेक्सिबल रखिए इसको, तो इसका बेनिफिट आप उठा सकते हो। इसे हम मराठी में कहते हैं जुगाड़। एक मैं सोचता हूं कि हर वीडियोग्राफर वीडियो जब शूट करता है, जब आप 50mm कभी कभी यूज करते हो, कैंडिड के लिए आप यूज करते हो, कभी कभी आपको टाइम मिलता है, कुछ वीडियो शॉट की प्रैक्टिस कीजिए, उस दौरान कुछ शॉट्स आपको रिकॉर्ड करना है लेकिन आपके आपके कार्ड में जगह नहीं है, तो इस ऐप के द्वारा आप 1080 फुल HD में आप इसमें कैप्चर कर सकते हो। चलो मानो आपको लाइव के ऑर्डर नहीं है, स्ट्रीमिंग के ऑर्डर नहीं है, तो आपको डाटा रिकॉर्ड कर सकते हो, हाईलाइट के लिए रिकॉर्ड कर सकते हो, ट्रीजर के लिए रिकॉर्ड कर सकते हो आपका डाटा, ये बेनिफिट आपको मिल सकता है इसके लिए। और लाइव के लिए इजी है, थोड़ा सा बैकअप लीजिए, स्पेस रखिए मोबाइल के अंदर और आप इसे लाइव कर सकते हो। ये करते समय दो बातें ध्यान दीजिए, एक तो आपको मोबाइल कैमरे का जो इनपुट ऑडियो सोर्स है अच्छा खासा क्वालिटी का है, लेकिन आपको ऑडियो इनपुट लेना बहुत जरूरी है। जब वीडियो क्वालिटी, ब्रॉडकास्ट क्वालिटी जब आती है तो उसके साथ ऑडियो क्वालिटी भी काफी मायने रखती है, तो ऑडियो मिक्सर से इनपुट लीजिए, एम्पलीफायर से इनपुट लीजिए ऑडियो का, क्योंकि ऑडियो का इनपुट
आपके HDMI के बाजू में ही है। जब आपने ऑडियो इनपुट लिया तो आपका फर्ज बनता है, आपका हक बनता है, एक हेडफोन लगा के ऑडियो की क्वालिटी सुनिए, प्रॉपर इनपुट आया या नहीं है। दूसरी बात, तीसरी बात चलते हैं कनेक्टिविटी कैसे कर सकते हैं। इसमें आपके पास मिनी HDMI है, मिनी HDMI सिंपल है, मिनी HDMI की जगह इसको इनपुट कीजिए, मैंने मिनी HDMI को इनपुट किया और जब कनेक्टर, ये जब कनेक्टर आप इन आउट करते हो थोड़ा स्लोली कीजिए, क्योंकि पिन की क्वांटिटी ज्यादा होने से प्रॉपर कनेक्ट होना चाहिए। मैंने ये मिनी HDMI यहां से कनेक्ट कर दिया, जो HDMI था नॉर्मल HDMI डोंगल को कनेक्ट कर दिया, यानी कि कन्वर्टर को कनेक्ट कर दिया, ओटीजी लगा के मैंने मोबाइल को लगा दिया। इतना ही काफी है। आप मूव हो सकते हो, मोनोकॉर्ड पे लगा सकते हो, ट्राइकॉर्ड पे लगा सकते हो और आपका लाइव कर सकते हो। कैमरा मोबाइल ऑन किया मैंने, चलिए फ्रेंड्स मेरे मोबाइल के ऊपर डिस्प्ले आ गया, यानी कि सामने का जो डिस्प्ले है मैं देख पा रहा हूं पूरा। Yes? Okay. और अब मैं रिकॉर्ड भी कर सकता हूं, वीडियो रिकॉर्ड कर सकता हूं, स्ट्रीमिंग कर सकता हूं और साथ ही साथ मूवमेंट भी कर सकता हूं, टॉप लेवल मिड लेवल लोअर एंगल भी जा सकता हूं। तो ये ऐप के द्वारा आप अच्छा खासा लाइव कर सकते हैं। फ्रेंड्स ये करते समय इस ऐप के और दो तीन बेनिफिट ये है, आप अगर कुछ बीच में ही कुछ सेंटर पॉइंट पे आप कुछ आपके कुछ पुराने फोटो है, आपका लोगो है, ये भी सेंड कर सकते हो। बीच में पे आपने कुछ ट्रिजर बना के रखा है लाइव के लिए, तो ट्रिजर भी आप वीडियो छोड़ सकते हो, आपके मोबाइल में सेव कर दीजिए ट्रिजर को, और जब भी आप लाइव बीच में आप कभी गैप है तो वो ट्रिजर का वीडियो आप हाईलाइट करके फेसबुक के लिए यूट्यूब के लिए छोड़ सकते हो। तो ये दो तीन बेनिफिट काफी इस ऐप में अच्छे है। थोड़ी सी एक बात है कि ये थोड़ा सा कमर्शियल ऐप है, ₹500 आपको हर महीने अगर भरना चाहते हो तो आप प्रोफेशनल बोल के ये ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हो, या एक महीने के लिए ट्रायल बोल के भी है, उसका बेनिफिट आप उठा दीजिए। एक महीना आप ट्रायल बोल के यूज कीजिए, आप अगर उसमें परफेक्ट होते हो, उसमें आप प्रोफेशनल अगर वर्क करते हो तो आप वो ऐप को कंटिन्यू कर सकते हो। आप यूट्यूब फेसबुक इंस्टाग्राम गूगल पे जो भी फैसिलिटीज है स्ट्रीमिंग करने के पाथ जो है उसके ऊपर आप लाइव कर सकते हो। लाइव करते समय आपको कुछ टेक्स्ट इंफॉर्मेशन भेजना है, कुछ टाइटल डालना है, आप टाइटल डाल सकते हो, कुछ आपको इमेज बताना है बीच में आप इमेज बता सकते हो, वही पूरे इमेज आपके मोबाइल के ऊपर सेव कीजिए और वो इमेज आप डिस्प्ले कर सकते हो। आप एक दो मिनट का वीडियो कुछ आपके पास सेव है वो वीडियो आप इसके ऊपर मोबाइल के अंदर सेव कीजिए, वो बीच में कभी डिस्प्ले कीजिए वीडियो जब भी आपको टाइम मिलता है, यानी कि सेकंड ऑपरेटर आपके लाइव के लिए कोई जरूरत नहीं है। वन मैन आर्मी एक ही आदमी ये पूरा सब कुछ कर सकता है। तो इस इजी ऐप है कैमरा फायर लाइव ऐप, आप डाउनलोड कीजिए, फ्री एक महीने के लिए फ्री है, उसका बेनिफिट उठा दीजिए और यू विल बी ट्राई, आप ट्राई कीजिए, अगर सक्सेस होता है वर्क कंटिन्यू कीजिए। तो DSLR विथ लाइव स्ट्रीमिंग इजी फंडा है, मैंने आपको सामने लाइट भी बिठा दिया है, अगर आपको लाइट शो चाहिए लाइट शो हो सकता है,
इसमें पीआईपी कर सकते हो, पिक्चर इन पिक्चर, पीआईपी सोर्स, ये भी कर सकते हो आप। लाइट नहीं चाहिए तुम्हारे, आपके पास काफी लाइट का सोर्स है, काफी पोटा लाइट यूज कर चुके हो आप, तो लाइट ऑफ कीजिए आपका पीछे मोबाइल के ऊपर। और एक बेनिफिट इसमें यह है, जब डिस्प्ले इसका व्यूफाइंडर का डिस्प्ले जब मोबाइल के ऊपर अच्छे क्वालिटी से अगर दिखता है, बैटरी बैकअप भी बढ़ जाता है DSLR का, यानी कि इसका डिस्प्ले बंद है, बंद हो जाता है डिस्प्ले, मोबाइल के ऊपर डिस्प्ले आ जाता है। और आपके पास हर फोटोग्राफर वीडियोग्राफर के पास काफी अच्छे कंपनी के मोबाइल है, यानी कि डिस्प्ले में ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, शार्पनेस, सेचुरेशन प्रॉपर दिख सकता है। इसका बेनिफिट आप उठा दीजिए। थोड़ा सा माइक्रो एसडी कार्ड जो होता है, हाई स्पीड का, अच्छे स्पीड का 64GB का कार्ड आप यूज कीजिए इसमें, ताकि आप कुछ डाटा, वीडियो डाटा, जो रिकॉर्डेड डाटा है वो आपको कॉपी कर सकते हो, यूज कर सकते हो। आपने फ्री ऐप कैमरा फाइव लाइव डाउनलोड किया है, इसके ऊपर आप ऑप्शन है, आपके पास काफी ऑप्शन है, आप YouTube लाइव कर सकते हो, Facebook कर सकते हो, Twitter के ऊपर कर सकते हो, आपकी खुद की पर्सनल लिंक बना के भी आप शेयर कर सकते हो। ओन यू विल बी क्रिएट ऑन लिंक, योर लिंक, आपके पर्सनल लिंक भी कभी शेयर करना है किसी को तो भी आप लिंक बना के शेयर कर सकते हो। RTS भी आप उसकी बोल सकते हो, पर्सनल डाटा रिकॉर्ड कर सकते हो इसके ऊपर, कस्टम RTMP भी कर सकते हो आप इसके ऊपर, लिंक भेज सकते हो आप। स्टार्ट करना है, अच्छा ऐसा कभी होगा कि आपको सीधा मोबाइल से करना है फेसबुक लाइव यूट्यूब लाइव, तो आपका मोबाइल अगर इसके साथ कनेक्ट है तो मोबाइल का भी ऑप्शन है आपके पास, मोबाइल से भी, आपके मोबाइल से भी कर सकते हो आप, या कैमरा इनपुट लेके कर सकते हो। तो मानो कैमरा अगर इनपुट ले लिया तो उसका जो भी क्वालिटी है DSLR की क्वालिटी काफी अच्छा मायने रखती है, तो यू विल बी ट्राइड। आप इस ऐप को डाउनलोड कीजिए, ट्राई कीजिए, ट्राई के साथ साथ HDMI टू USB और एक 50 फीट का केबल, मैंने पिछले वीडियो में भी दिया था, थोड़ी सी कीमत कम रखकर आपका अगर होना है तो आप 9822842642 इस व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टेक्ट कीजिए, मैं आपको सपोर्ट करूंगा। तो दोस्तों ये कैसा लगा आपको सब्जेक्ट, इसके बारे में जरूर इंफॉर्मेशन दीजिएगा। मैं चाहता हूं कि हर फोटोग्राफर छोटा सा साइड बिजनेस चालू करे तो दो पैसे वो कमा सके। इसके बाद पहले मैंने लाइव स्ट्रीमिंग के बारे में, OBS स्टूडियो के बारे में बताया था, आज मैंने DSLR के बारे में बताया है, कल सेकंड एपिसोड प्रोफेशनल लाइव इन लाइव सोलो। अगर कमर्शियल, अगर आपकी अगर प्रैक्टिस होती है आपके रूरल एरिया में, आपके तालुका लेवल के ऊपर, आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर आपको काफी अच्छा वर्क आता है, तो लाइव यू सोलो कैसा यूज करने का है ये वीडियो आपके लिए, इन महाराष्ट्र के लिए, मैं मराठी में देने वाला हूं खासतौर पर, उसका ध्यान देके RR News के साथ आप कनेक्ट रहिए। यही रुकता हूं, नमस्ते, बाय।